आज इंसान एक बहानों से भरा हुआ पुतला है। कभी बहाने बनाता है अपने सपनों को लेकर, तो कभी बहाने बनाता है अपनी लाइफ को लेकर। ये समझो एक्सक्यूजेस का, बहानों का उनके पास भंडार है। कभी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, कभी अपनी सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, तो कभी अपनी लाइफ की परेशानियों को इन्वॉल्व करते हैं। परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो परेशानियों के रहते हुए भी अपने सपनों को कॉम्पीट करे। आज के यूथ में मैं देखता हूं थोड़ी सी परेशानी क्या आती है, वो घबरा जाते हैं, और जो रास्ता उन्होंने चुना है, जिस रास्ते पर वो चलना चाहते हैं, जो सफलता वो पाना चाहते हैं, उसको छोड़कर कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, उसका भी एक कारण है कि बहाने बनाना। क्योंकि आज के यूथ को मेहनत करना पसंद नहीं है, उनको पसंद है कि उनको चीजें काफी आसानी से मिल जाए। लेकिन जो चीजें आसानी से मिलती है, उस चीज में आपकी सफलता नहीं झलकती, आपकी परेशानियां नहीं झलकती। क्योंकि ये जो परेशानियां है ना, ये आपकी सक्सेस की सीढ़ियां हैं। क्योंकि आप लोग जितनी परेशानियों को फेस करोगे, जितना एक्सपीरियंस आप लाइफ से गेन करोगे, उतना ही फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। आजकल हम देखते हैं कि जहां परेशानी आती है वहां यूथ गिव अप कर देता है। क्योंकि हमें जो आदत पड़ी हुई है, वो आदत इस चीज की पड़ी हुई है कि जितना कम में, जितनी कम मेहनत हो सके, उतनी कम मेहनत में हम कुछ ज्यादा अचीव कर जाएं। क्योंकि इंसान ना मैदान में नहीं हारता, बल्कि वो मन से हारता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर दोबारा से मैदान में आ सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी मैदान में दोबारा नहीं आ सकता। भाई, भाई, आधा रहा, चला, आई इधर। चल लगा, पुशअप से लगा, क्या क्यों एक्सरसाइज है, अब लगा, चल दोबारा शुरू कर, खींच के चल 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 चल। दोबारा दोबारा चल चल हेलो हेलो चल लगा, अब लगा, चल चल चल, बनेगी बात, बन रही है चल चल चल, ट्यूब वन, चल नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया, चल 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 चल, शाबाश, फोर थ्री 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 ट्यू, चल 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 चल, पुष्कर 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 पुष्कर, ट्यू 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 ट्यू, चल 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 चल, दम है अभी, अभी दम है। अपने काम के लिए एक जुनून होना चाहिए कि करना है तो करना है, चाहे फिर परेशानी आए या फिर आए मौत। क्योंकि जिस काम की शुरुआत हम करते हैं, सीधी सी बात है, उस काम में जो परेशानियां आएंगी, वो परेशानियां भी हमें ही फेस करनी। काफी बार हम एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम करते हैं अपनी किस्मत को, और एक सक्सेसफुल इंसान को देखकर हम यही बोल देते हैं कि शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो सफल हो गया। हम उसकी सालों की मेहनत को
अच्छी किस्मत का नाम देकर अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दे लेते हैं। चल, ये चाहिए, चल, दम लगा, 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 लगा। एक और है, चल, कंटिन्यू, तीन और लगाने, चल, उसका, चल, अब लगा, थ्री मोर, ये, चल, ये, बनी चाहिए, चल दो। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, वो भूख जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है, और वो भूख तब तक शांत नहीं होनी चाहिए जब तक आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर लेते। अगर आपकी वो भूख कभी कम पड़ती है तो याद रखिए, इससे पहले आज तक आपने जितनी भी मेहनत की है वो मेहनत आपकी बेकार हो जाए, और उस भूख को तब तक जिंदा रखना है जब तक अपने ड्रीम्स को पूरा कर नहीं कर लेते। सीधी सी बात है, अगर आप इस दुनिया से कुछ अलग करने चले हैं तो आपकी परेशानियां भी इस दुनिया की सोच से अलग होगी, आपकी सक्सेस भी इस दुनिया की सोच से अलग होगी। तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है जो आपके बारे में नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं, आपको उन नेगेटिव चीजों को भी, उन नेगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव चीजों में लेके जाना है, एक मोटिवेशन के अंदर लेके जाना है कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है जो उसने मेरे बारे में नेगेटिव बोला, अगली बार मैं उन चीजों को सुधारूंगा और एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी मेहनत के साथ दोबारा से मैदान में उतरूंगा। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो बार बार असफल होने के बाद अपनी असफलताओं से सीखे और मैदान में एक अच्छी तैयारी के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ दोबारा से उतरे। चल बढ़िया, ये चाहिए, चल, चल बढ़िया लड़के, दम है, ये चाहिए, एक लगा दे बस, चल, ये लास्ट है, कर दे, पुश कर दे, दम है, कर दे, ये बढ़िया लड़के। Thank you.